वड्डे तो वड्डा भावे कोई वड्डे तो वड्डा सुनिंदा है मनुख है देह मिली है शरीर मिलिया है कहते बिरथी है टेक टेक रख एक अकाल पुरख वाहिगुरु जे शरीर विचों भी प्रगट हो रहा है तो भी गुरु का ज्ञान है। मान लो हम आप गल कर रहे हैं सतगुरु की बाणी भी पढ़ रहे हैं ये ज्ञान भी तो गुरु का है ना फिर साड़ी अटैचमेंट गुरु नाल होनी चाहिए साड़ी जी सुरत है सतगुरु नाल ही जुड़नी चाहिए। शरीर तो दस लिया डाकिया मैसेज लैके आया मैसेज कन्वे करने वाला हों डाकिया नहीं कहने आप लैटर लैके आया वो रिश्तेदार नहीं साडा रिश्तेदार कितने होर बैठा हो तो मैसेज देने वाला है चंगा मैसेज लैके आया सानू चंगा लगता है ओनू गलवकड़ी थोड़ा पा ले दी है वो तो लैटर देन आया चिट्ठी देन आया रिश्तेदार तो कितने होर है। हाँ धन्यवाद जरूर करते हैं भी धन्यवाद तो जी गल साडे फिट ना आवे चिट्ठी आवे वो साडे फिट नहीं लिखे ही कुछ इदा है तो आप डाकिए का गल फड़ लीए भी तू इदा क्यों कहना है उत्थे भी कसूर होता नहीं हम उहदे च जो लिखे है साडे फिट नहीं इदा भी हुंदा है असी जानते डाकिए अपना रिश्तेदार बना के गलवकड़ियां पा लें भी यही है सारा कुछ तो जां फिर डाकिए का गाड़ी फड़ लें भी आ क्यों कहना तू उहदा अपना कुछ भी नहीं वह तो दसण वाला हुंदा है कईआं दे सच फिट हुंदा कईआं दे नहीं फिट हुंदा जेड़े जुड़े हुए ने उन्हां नूं चंगा लगता नहीं तो कूड़ कूड़े नेहों लगा विसरिया करता झूठियां नूं झूठ ही चंगा लगता है विगड़िया नूं विगड़िया की संगत ही चंगी लगती है पुठी बात वालिया नूं पुठी बात वाले चंगे लगते हैं हुण उह फिट नहीं ना हुंदियां कई गल्लां सतगुरु जी की सिख्या फिट नहीं हुंदी उते डाकिए दा गल क्यों फड़ना है ते हुंदा है असी कई बार चुप करा दें असी कहने दौड़ जाओ गुरु की गल करने वालिया विरले विरले पसंद करते हैं उन्होंने विरुद्ध होके खड़ जाने उन्होंने विरोधता का दी है ये तो सतगुरु की विरोधता हो गई ज्ञान तो गुरु का है तो किदा वड्डा वो बंदा पापी है जिहड़ा गुरु की सही गल लोगों ना दसे मन लो कि हुण गुरु जी ने कहा शराब नहीं पीनी मैं तुहानूं कह रहा शराब ना पियो जी तो मैं लघो लवां इत मद पीता है नानका बहुते खट्टी है विकार गुरबाणी ने कहता भी शराब सारिया पापां दी मां है नशा है जिहड़ा सारे उगणां दी मां है शराब शराब आ गई मां आ गई उत्थे बच्चे आपे जम पैणे ने उगण सारे आपे ही आ जाणगे गुरबाणी ने कहता मैं तुहानूं दस दिता डाकिए दा काम कीता दस दिता अच्छा मैं लुको लवां मैं कहां भी ना ना 50% तो ज्यादा दे पीण वाले ने मेरे विरुद्ध हो जाणगे इहदे नालों चंगा भी वाहिगुरू वाहिगुरू कर लो कीर्तन कर लो शब्द पढ़ लो शब्द बारे दसो ना विचार ना करो कादे लई भला मैं लुको गया गुरु का ज्ञान क्यों लुको गया इस करके भी लोकी नाराज ना हो जाण पीण वाले नाराज ना हो जाण बीबियां भी पीदियां ने कल्ले भाई नहीं पीते बीबियां भी कहिंदियां भी साडा भी पैकेज चाहिए नाल इत्थे दा सिस्टम इदा दा माहौल इदा दा भी पार्टियां ने ते बीबियां नूं भी चाहिए तुहानूं वेख्यो सुणो हुण असीं लुको लैने आ ते साडी बाबत फिर सतगुरु कहिंदे ने जिन्ना गुर गोपिया अपना ते नर बुरियारी कहते बड़े बुरे बंदे होंगे ने जेड़े अपने गुरु का ज्ञान लुको लेंगे लुको लिया अपने गुरु की सिख्या लुको लिया दुनिया वाल वेख लिया संसार वाल वेख लिया चौधर वाल वेख लिया पैसे वाल वेख लिया गुरु का ज्ञान जे लुको लिया तो सतगुरु कहिंदे आ जिन्ना गुर गोपिया अपना ते नर बुरियारी हर जीओ तिन का दर्शन ना करहु पापिस्ट हत्यारे कहिंदे पापी ने उन्हां दे दर्शन ना कराई जेड़े तेरी गल लुको लैंदे
जेडे रब का ज्ञान लुकाउंदा रागी है भावें कोई ढाडी है कोई कोई प्रचारक है जे जो गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे आ ओ जे लोकां नूं ना दस्या ते सतगुरु कहिंदे ने इहो जे बंदियां दे दर्शन ना होण पापी हुंदे ने हत्यारे हुंदे ने क्योंकि गुरु दे ज्ञान नूं लुको लैंदे आ। हुण वेखो ना प्यारिओ दुनिया नूं खुश कीता जा सकदा है पर गुरु नूं नाराज कौन करे। दुनिया नूं खुश कीता जा सकदा है सोभा ही करी चलो सोभा ही करी चलो सोभा ही करी चलो पर सतगुरु नूं नाराज करके वड्डे बापू नूं नाराज करके किदियां खुशियां पालदे किदी खुशी दी गल करदे। ते सवाल फिर है इह साडे जखम ने साडे सारिआं दे आपां सब विच ही आ सारे रल मिल के पढ़ते विचारदे आ ते जे जखमां नूं ना जे जखमां नूं छेड़िए ना जे उन्हूं चीरा ना दिता जावे ते इलाज नहीं हो सकता। कुछ जखम ऐसे ने जिन्हां दा इलाज करना ही पएगा ते जदों इलाज करना पएगा इलाज कौन करदा सतगुरु इलाज सतगुरु करदे ने इह सारी मेडिसिन दवाई उन्हां दी है। मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवे कट है जम की फंदा पर जदों चीरा देना है जखम नूं ठीक करना है ते दर्द ते होएगा तकलीफ ते होंदी है पर तकलीफ जिहड़ा बंदा झलदा है उहदा रोग भी कट्टिया जांदा है। संगत विच आपां बैठे आ इत्थे आ के सब हंकार छड्ड के नीवे हो के बह गए चुप करके असीं सतगुरु दे बचन सुणदे आ सतगुरु दी विचारधारा सुणदे आ सुनाउण वाले नूं असीं गुरु भी नहीं मनदे ते गाड़ा भी नहीं कढ़दे उह ते दसण वाला है बस बहुती नेड़ता भी नहीं ते दूरी भी नहीं बस एक प्यार है भैणा भरावां वाला ठीक है सानू गल सुनाई दस्या पर सतगुरु साडी बीमारी का इलाज करदे ने। जिहड़ा बंदा समझदार है जिहड़ा नवाणा बन के आया है जिहड़ा सचमुच अपने आप नूं कुछ नहीं समझदा भी मैं अमेरिका विच रहण वाला मैनूं कोई इदां तों कहे साडे कोल ग्रीन कार्ड है असीं सिटीजन आ इत्थों दे लै साडी सानूं इदां कहिंदे ने पीना मैं अपने घरों पीना इह की लगदे ने इह सतगुरु दा ज्ञान है। हुण गुरु नाल मत्था कौन लाएगा मत्था टेकी दा मत्था लाई दा नहीं अपने सतगुरु नाल मत्था लाई दा नहीं मत्था टेकी दा है। ते जेड़ा कहिंदा मैं नहीं मननी उन्हें अपने गुरु नाल मत्था ला लिया ते दसो गुरु नाल मत्था लाने वाला सौखा रह सकदा शांति आ सकदी उहनूं उहदी जिंदगी च टिका आ सकदा अपने गुरु नाल मत्था ला लिया जेड़ा इस करके सतगुरु नाल मत्था नहीं लाना उत्थे आ के असीं कोई वड्डे नहीं उत्थे असीं सब निम्रता विच आ के नवाणे बन के सतगुरु दा उपदेश ध्यान नाल सुनिया करिए। सुभा बनाना चाहिए सानू आदत बनानी चाहिए जिथे साडियां घाटां ने सानू मनना चाहिए असी विच आपां सारे गुरु के सिख हाँ ते मड़ियां तक सिख हाँ किड्डा प्यारा नाम है सिख सिखी जल कदी भी कुछ ना बन सिखी जल सिख हाँ। हुण कोई सानू जिवें हुण भाई साहब ने कहा जी महापुरख ने इदां ते सारे कहणगे बड़े गुरमुख ने अरदास विच वी नां लिया जांदा जिहड़े लंगर करांदे ने गुरमुख परिवार वल्लों गुरमुख बड़ी वड्डी पदवी है गुरसिख परिवार वल्लों इह बड़ियां वड्डियां पदवियां ने पर असीं हाँ सिख बने रहीए सारी जिंदगी सिख दे ही रहीए मड़ियां तक सिखीए साडा सब दा फर्ज है तां गल बणदी। ते मैं पहले दवाना च भी किया सी गुर मिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख अंदर दी चढ़दी गला ता है जदों माड़े काम छड़ दिते स्ट्रेस खत्म हो जाएगी स्ट्रेस उसते नहीं खत्म जिधर पढ़ते खत्म जिन्ना चिर असीं पढ़ते पाई रखांगे उन्ना चिर स्ट्रेस बनी रहेगी। माफ करना जेड़ा बच्चा मां प्यो तो पढ़ता पाता है स्ट्रेस चे
पता ना लग जाए। बंदा अपनी घर वाली तो पढ़ते पाता परिवार को लुको लुको के गलतियां करता है स्ट्रेस च। अज सतगुरु को आया छड़ दे स्ट्रेस खत्म आनंद नाल समय हुण चिंता की मंजी किसम का चिंत खटोला वाण दुख हुण चिंता च हुण फिकर च भी पता ना लग जाए पता ना लग जाए डर लग्या हो। अज सतगुरु का वचन मने अज माड़ा काम छड़ दे अज ही आनंद आ जाए। जिहड़ी जिंद लेखे देंदी सी अज ही शांत हो जाए भटकना मुक जाए सा। बस जिन्ने पढ़ते ने उन्ने दुखी है। इस करके जो सच नाल जुड़ांगे तां गल बनेगी। यही साडे चित्र गुप्त ने चित्र गुप्त अगे जाके होएगा जी। आप आप ही सुनते हैं एक सज्जे मोढ़े ते बैठा जी एक खब्बे मोढ़े ते बैठा है ये चित्र गुप्त ने साडे ते। आप सुनते हैं ना कि वो अगे जाणगे अगे जाके फिर लेखा होना है वही कढ लेनी है। पर वो ते गल्लां बाद दीआं छड्डो असीं अज वेखीए साडा अज दा गुप्त चित्र की है। देखो ना चित्र गुप्त पुठा कर लो गुप्त चित्र एक साडा प्रगट चित्र है तुहाडा मैनू एक चित्र दिस रहा है तुहानू मेरा एक चित्र दिस रहा है। ये प्रगट चित्र है साडा तुसी मैनू वेख रहे हो मैं तुहानू वेख रहा साडा प्रगट चित्र है ते एक साडा गुप्त चित्र भी है। वो की है सारिआं दा ही है कोई ना कोई वो है साडा मन जिहदे बारे सानू ही पता है। तन दिसदा है मन नहीं दिसदा ते मन हरेक बंदे दा गुप्त चित्र है। मन दा ते नहीं ना पता विचार कितना दे ने साडी दस्तार वेखी है विचार ते नहीं दिसदे विचार ते नहीं दिसदे भी विचार कितना दे साडे दस्तार नजर आ रही विचार नहीं दिसदे। इस तरह जिहड़ा साडा मन है ये साडा गुप्त चित्र है ते जदों असीं गलतियां करते हैं अपनी जिंदगी विच वो गुप्त चित्र बनी जांदे ने बनी जांदे ने। हुण जदों आपां इत्थे बैठे हुंदे आ जिहड़े बंदे ने पीती नहीं पींदा ही नहीं जिहड़ा वो आराम नाल बैठा जिहड़ा पीण वाला उहनूं लेखा दे रही उहदी जिंदगी यार गलत करदे आ। जिहड़ा थां थां ते धक्के खाण वाला है ही नहीं जिहड़ा एका नारी जती होए पर नारी धी भैण मखाणे ते सिधांत ते खड़ा है ਉਹਦਾ ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿੰਦ ਕਿਉਂ ਲੇਖਾ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹਦੀ ਜਿੰਦ ਕਿਉਂ ਲੇਖਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰ ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਬਸ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਝੂਠ ਛੱਡ ਦੇਈਏ फिर अंदर का टका है फिर शांति ते सतगुरु तो बलिहार जाइए जेडे साडे ते कृपा करते ने साडे सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी गुरपुरे की वडियाई ये सब वडियाइया गुरु दियां ने ते जेडे गुरु जी सानू ज्ञान देंदे ने मैं पहला कहा उहदी कोई कीमत नहीं ताकि कीमत कही ना जाई। जो सतगुरु ने ज्ञान देना है जो सतगुरु ने सिख्या देनी है उहदा कोई मुल नहीं। जो सतगुरु कृपा करते ने उहदा कोई मुल नहीं इस ज्ञान का कोई मुल नहीं। जिउण दा चज आ गया हुण जिंदगी जिउण दा ढंग आ गया हुण रस आ गया जिंदगी विच हुण हिरदा शांत है घर सुख वसिया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। गुरु ने मंत्र दृढ़ करा दिता गुरु ने ज्ञान दृढ़ करा दिता हुण आनंद आ गया। फिर गल ध्यान नाल समझियो अमेरिका तां स्वाद देगा जे हिरदा सुखी है जे मन शांत है ते तां ही अमरीका चंगा है। की करोगे अमेरिका दीआं सड़कां नूं की करना है ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप की करोगे जदों मन शांत नहीं। मन शांत है ते तां ही अमरीका स्वाद दे रहा जे मन शांत नहीं ते अमेरिका भी कुछ नहीं करता। हुण कईए इत्थे मिलदे ने बड़े दुखी हैं जी हुण इदू गां ते समुंदर ही है फिर होर ते कुछ नहीं। ज्यों इंडिया तो तुरे हैं तुरदे तुरदे इत्थे आ गए चार गड्डियां बूहे च खलोतियां ने घर किन्ने दा जी 4-5 लख दा इंडिया दे हिसाब नाल 2-3 करोड़ दा उत्थे 2-3 लख दे च रहिंदे सी हुण 2-3 करोड़ दा
चार चार गड्डियां खलोतियां ने, महीने का पांच चार लाख इंडिया के हिसाब नाल सोचिए तो आ भी जाता है, तो जे अजे भी औखे हैं फिर तो समुद्र ही रह गए अगे हो गई, अजे शांति नहीं फिर इतू अगे की। हम मैं बेनती जो कर रहा उन्होंने समझियो क्यों दुखी हैं, वो जी जिन्हों असी मन की शांति कहने, वो घर है जोड़ा हिरदा अंदर की जी शांति है वह गुरु की सिक्ख्या मिलती है। घर सुख वसया बाहर सुख पाया, बाहरला सुख ता ही पाया जाता जो घर सुखी हो, अंदर शांत है मन शांत है हिरदा शांत है बाहर के सुख भी ता ही चंगे लगते हैं। जे बंदा दुखी हो 36 प्रकार का भोजन रख दो कहता पर ले जाओ मैनू नहीं चंगा लगता, अज मैनू रोटी स्वाद नहीं लगती क्योंकि मेरा मन बड़ा दुखी है, अज कोई गड्डी चंगी नहीं लगती, अज घर चंगा नहीं लगता, अज कुछ चंगा नहीं, बच्चे चंगे नहीं लगते, अज मेरा मन बहुत दुखी है, मैं अपसैट हाँ, इदा आम कहने मन दुखी है मेरा। पर जिहदा हिरदा सुखी है बाहर के सुखां का आनंद भी उही ले सकदा है, ते जिहदा मन शांत है कंडियां ते भी सौ सकदा है तां भी आनंद है। मन शांत है ना जिहदा, वह कंडियां ते भी सौ के कहेगा ठीक है, जिहदा मन शांत नहीं वह अमरीका दे विच सोहने बैड ते पिया भी कहिंदा बड़ा दुखी है। मन की शांति है ना, सिर्फ मन की शांति हिरदा शांत चाहिए। जेड़ा बंदा सच नाल नहीं जुड़िया, मैं मेरा ख्याल पिछले दवाना च भी किया सी, कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल जड़ाओ दिसह दाते कान ज्यो जन मन नाही ना हो, सच नालों जेड़ा टुटिया सड़े हुए काने वर्गा लगता है, सड़िया होया काना उत्तों उत्तों सुनहरी हुंदा है विचों सड़िया पिया हुंदा है, अंदर जिहदा शांत नहीं बाहर ते सुखां नूं की करांगे। इस करके सतगुरु ये साडे ते मेहर करन है भी गुर मंत्र गुरु का ज्ञान दृढ़ करिए, दृढ़ कर लीए पका लीए, जदों सतगुरु की सिक्ख्या पका लवेंगे बा फिर उठत सुखिया, हम पिछलियां पंगदियां उठत सुखिया बैठत सुखिया, हम उठद बहिंदा सोखी सुख है, भौ नहीं लगता जा ऐसे बुझिया, जदों तू बुझ लिया बुझ लिया उदू बाद डर खत्म हो गया। अच्छा बुझिया की राखा एक हमारा स्वामी सगल कटाका, एवं बंदियां नूं राखे बनाई फिरदे सी अपने। मैं पहला बेनती करती थी मानुख की टेक बिरछी सब जान, बंदियां ते टेक रखी बैठे सी भुल सी साजी, जिदन तो यह गल समझ ली सतगुर ने समझाती राखा एक हमारा स्वामी सगल कटांका अंतर जामी, उदू बाद की हो गया सोए अचिंता जाग अचिंता जहां कहा प्रभु तू वरतन, हुण चिंता ही खत्म हो गई, अगे चिंता च सी आपां, अगे स्ट्रेस सी हुण चिंता खत्म है, इंडिया का फिक्र करते सी हुण पता लग गया भी इंडिया विच भी तो उही है, जहां कहा प्रभु तू वरतन, इंडिया च भी तू है इत्थे भी तू है अंदर भी तू है बाहर भी तू है हर पासे तू ही तू है ना, हुण समझ आ गई, पहला पता ही नहीं सी लगता एवें ही करी जांदे सी, टेंशन पई सी फिक्र पिया सी, हुण गुरु ने समझाता जदों हर थां ते फिर गलती किवें करांगे, किवें पड़दे बूहे बंद करके भी किसी ने नहीं वेख्या, हुण मन मन गया भी रब ते वेखदा है ते गलती बंदा आपे नहीं करदा, हर वेले वेखदा है पता लग गया भरोसा बच गया हर वेले वेखदा, इह सतगुर ने पकारती गल गुरु ने गुरदेव तक समझ आ गई, हुण की हो गया हुण माड़े काम आप ही खत्म हो गए, मन मन गया कि रब है, हुण मन मन गया पक्क भी गल दृढ़ हो गई, की मन लिया राखा एक बोलो जी संगत सारी कृपा करो राखा एक बस मन मने इको ही है राखा, दो नहीं तीन नहीं चार नहीं दस नहीं, ये वेखो ये पंक्ति आप पढ़ी राखा एक हमारा स्वामी, आप कहने ना जी इंडिया में एक पीर बाबा वह भी साडा राखा है, उत्थे भी चादर चढ़ाने वो साडी रक्षा करदा है, ते इत्थे ते क्या एक है इको ही है, मन मनेगा इस पंक्ति को अपना, असी तो पता ही नहीं किन्ने राखे बनाए हैं, साडे राखे गिन सकदा कोई, इन्हां नूं पूजने आ जिन्हां दी गिणती कोई नहीं, पूजो राम एक ही देवा सच्चा नावण गुर की सेवा, सतगुर दे आखे लग जाए सच्चा नावना है,
मन का इशनान यही है। साडे ते इन्ने रब ने गिने नहीं जा सकते, इन्ने राखे बनाई बैठे हैं, गिनती कोई नहीं, पर मन मन्ने राखा एक हमारा स्वामी सगल कटाका अंतर जामी। एक हमारा स्वामी वाह वाह सगल कटाका जामी। और चिंता नहीं रही कोई, सोए सोए अचिंता जागूं अचिंता। और फिकर नहीं कोई, बेफिक्री हो गई, अचिंता का अर्थ है बेफिक्री। जहां कहां प्रभ तू वर्तनता, हर था उत्ते ते तू है, कर सुख वसिया घर सुख वसिया बाहर सुख पाया। कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। साडा मंत्र गुरु का ज्ञान है, करांदे फिरदे ना कई मंत्र, कई जंतर मंत्रां दे चक्करां च पए फिरदे ने। साडे पढ़े लिखे सिख अमरीका आके भी कहेंगे, कहेंगे किसी ने काला इलम करा दिता है, इत्थे आके भी मंत्रां दे चक्करां च पए जंतर मंत्र मनदे आ, पर गुरु ग्रंथ साहब कहिंदे ने राम नाम जो जन जपै अन दिन सत जगै, तंत मंत ना जोगई तित चाख ना लगै। जंतर मंत्र कोई चीज नहीं हुंदा, ना कोई इहदा असर है, बस मननी है मन मन्ने, किथे मनदा है। महाराज कहते ने नहीं छड़ो, सच नाल जुड़िया जेड़ा, रमे हुए नाल जुड़िया जेड़ा, कोई असर नहीं तंत्र मंत्र कोई गल ही नहीं। चाख दा अर्थ हुंदा नजर लगती नहीं, नजर ही नहीं लगती कहते। हुण आपां आम ही ये गल करते नहीं, फलाने नूं फलाने दी नजर लग गई, फलाने दे काम नूं नजर लाती किसी ने, सतगुरु कहते लगती हुई नहीं नजर, आपां कहने लगती है, ला लिया ना मत्था, मत्था टेकिया नहीं, मत्था ही ला लिया, मत्था टेकिया कितने। गुरु ग्रंथ साहब कहते कोई नजर नहीं छड़ दे, आपां कहने लगती है नजर, आपां तो नजर पट्टू इत्थे भी टंगी फिरदे घर दे, इत्थे भी कई ट्रकां ते नींबू मिर्चां बन्नी फिरदे ने, इत्थे भी बन्नी फिरदे ने कि ट्रक नूं नजर लग जाए, कई थां ते वेख्या। एक घर च गए घोड़े दी जिहड़े की कहिंदे ने खुरी, खुरियां होंदियां घोड़े दे जिहड़े लांदे, वो खुरी रखी घर च पुठी करके। मैं कहा ये की कहिंदे, किसे ने दस्सिया सी कि कम्म पुठा सिद्धा हो जाएगा, खुरी रखी फिरदा घोड़े दी लवे कि। मैं कहिंदा घोड़े ने पाई हुई होवे नवीं नहीं खरीदनी, लगी हुई होवे घोड़े दे पैरां च, लाई हुई होवे फिर वह रखनी है घर च, कहिंदे फिर कम्म चलदा नहीं सही। ऐडी मत मारी थी साडी गुर की मत तू लेह त्याणे भगत बिना जे न्याणा गल करे ना। देखो जे बच्चा निकी दी गुद्दी बना के उन्हूं दुद्ध पियावे, मूर्ति लक्कड़ दी कोई प्लास्टिक दी ले आवे, बच्चे साडे इदां करदे ने, वह कह के मैं इहनूं रोटी खवानी है, बच्ची इदां कहण लग जांदी, ते आपां सारे हस पांगे ना, आपां कहांगे वेखो न्याणिआं दीआं गल्लां, जे उह दुद्ध पियावे ते आपां हसणे आ। इह ते सियाणे न्याणे मूर्तियां नूं दुद्ध पियाई जांदे ने, उदों कहिंदे धर्म हो रिहा, समझ लैणा चाहीदा अजे न्याणा है, डिवेलपमेंट नहीं होई बुद्धी अंदरों खाली है, शरीर वड्डा है उदां न्याणा है, मत न्याणिआं वाली है ना, गुर की मत तू लिहे ਆਣੇ ਆ ਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਰੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਿੰਬੂ ਟੰਗ ਲਓ, ਮਿਰਚਾਂ ਟੰਗ ਲਓ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ 5-7 ਮਿਰਚਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਇਓ 50 ਟਰੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਤ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ
ਤੇ 25 ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਰਚਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲਮਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟਰੱਕ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਰਚਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਵੇਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਮਰਚਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 8 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਵੀ 8 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਮਰਚਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਸਿਆਣਾ ਕਰੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰਣ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਭੇ ਘੱਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤੇ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸਵਾਮੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੋ ਪੁੱਛੇਗਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਠੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨੰਬਰ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਪੜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਜਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਜਮੇਰੀ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖਾਂ ਪਾਉਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪੁੱਛਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਰੱਟੇ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਨਬੇੜੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣਗੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਫਿਰ ਚਾਹ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਬਸ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤੇ ਪੱਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਰੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ, ਉਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਕਾਢ ਪੀਏ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਉਹ ਖੂਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਅੰਦਰਲਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਨਾ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਕਲਗੀ ਧਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਕੁਛ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਾੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ।
सतगुरु के सिद्धांत साडे हिरदे विच वसने चाहीदे ने। ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने वो जो अंदर गुण सन उन्होंने प्रगट कर दिता, जिन्हों असी खालसा प्रगट दिवस कहने, प्रगट किया खालसा। ते खंडे की पौल जिन्हों खंडे का अमृत कह दें, इतने ना रुकीए, फिर ज्ञान अमृत से भी चलीए, फिर नाम अमृत तक भी जाइए ना, कली इतने रुकण की भी बस मैं अमृत छक लिया अमृत छक लिया, इतने ना रुकीए। कल भी असी बैठे गल करते प्रकरण के हिसाब न अर्थ हो जाता है, कौम नूं एक करन वास्ते खंडे की पौल भी अमृत है। जातां पातां जे खत्म हो गई तो अमृत का कम है ना, जिवें हुण कई सज्जन आम कहिंदे सुणे ने वी खंडे की पौल नूं अमृत ना क्या करो, खंडे का अमृत यह ना क्या करो, ये अमृत नहीं, ये खंडे की पौल है, ये अमृत नहीं। इदां भी सुणदे ना आपां, पर बीमार बंदे वास्ते जिहड़ी दवाई कम कर गई बीमारी वास्ते उह दवाई वी अमृत है, ठीक कर दिता। पशु मिले चंगियाइयां खड़ खा है अमृत दे, शरीर लई दुध भी अमृत है, शरीर लई दुध अमृत है, जहर प्रसाद शक्ति भी अमृत खा है, तिस ठाकुर कहो छत्ती प्रकार का भोजन है, शरीर लई भोजन भी अमृत है, शरीर लई भोजन अमृत है, शरीर लई दुध अमृत है। इसे तरह जे जातां पातां खत्म कर दीए समाज एक हो जाए तो खंडे की पौल भी अमृत का काम करके, खंडे की पौल अमृत है। कदों जदों असी जातां पातां खत्म कर दिंदियां, साडे अंदर ऊंच नीच का भाव खत्म हो गया, वड्डा छोटा खत्म हो गया, एक कर एक हो गया, एक बाटे चो पौल लैके ते खंडे का अमृत हो गया। जान पाती अमृत, फिर अमृत नाम निधान है मिल जीव हो पाती, फिर वह अमृत सच नाल जुड़ीए, अमृत नाम नाल जुड़ी है। जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, पीना किने है जीव ने नहीं सुरत ने पीना है, चिम चिम वरसै अमृत धारा, कौन पींदा है मन पीवै, सुन शब्द विचारा, शब्द की विचार जदों मन सुनदा है तो फिर मन अमृत पींदा है, फिर मन मस्त हो जाता है। इस करके गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने अज वाले वाहिगुरु विसाखी का जो खालसा प्रगट दिवस आप कहने आप इतने अज वाले दिन मना रहे हैं, इस दिन सतगुरु जी ने वो जड़े खालसे के गुण ने प्रगट कर दिते। टिक्किया अज तो गुरु वाले बन गए, अज तो बाद सब वहम भरम नाश, वहम भरम नहीं करना, अज तो जात वरण नाश, अज तो बाद शर्म नाश, कम की शर्म नहीं करनी, आ कम वड्डा है आ कम छोटा है। पहले समय में सी खत्री ने जेड़े जंग करते ने, जेड़े ब्राह्मण ने यह वेद पढ़ सकते ने, दूजा नहीं पढ़ सकता, वैस खेतीबाड़ी ते व्यापार कर सकते ने, ते शूदर कहते सी ये लोगों की सेवा वास्ते ही ने, ये छोटिया जातां ने, ये सेवा करने वास्ते परमात्मा ने बनाए ने, यह इदां दा ब्रह्मणिज्म चल रहा सी। ते साडे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह आए कहिंदे अज तों बाद शर्म नाश, तेरा दिल करे तू स्टडी कर, जिन्ने मर्जी ग्रंथां नूं वाच लै पढ़ सकदा है, कोई रोक नहीं, सिंह खालसा बन गया ना, सिंह खालसा है तू अज तों बाद, जो मर्जी पढ़, तेरा दिल करे शस्त्र चला शर्म ना करी, तेरा दिल करे पढ़ना है शर्म ना करी, वड्डे तो वड्डे अहुदे ते चलिया जा शर्म ना करी, ते जे रोटी कमाण लई बच्चियां दा ढिड भरन लई जे भांडे भी मांजणे पै जाण ते शर्म ना करी, इत्थे जे आ के शर्म करदे भुखे मर जांदे आपां, इन्हां देशां च इत्थे कम दी शर्म ते नहीं करदा कोई, बड़े ने इत्थे अगला कहिंदा इंडिया तो फोन आउंदा काम मिल गया, कहिंदे मिल गया की मिल गया, कहिंदे इह ना पुछो वी की मिल गया, इह ना पुछो वी काम मिल गया, इत्थे है ने कई आपां इदां ही करदे आ, हुण सारे ते नहीं दसदे वी काम की करदे आ, इंडिया दे विच आपां वेखदे आ, पर शर्म ही नहीं कोई काम की, जे इत्थे शर्म करिए ते भुखे मर जाईए, काम की कहदी शर्म है, तेरा दिल करे आ जा इत्थे, सतगुरु जी की बाणी पढ़ विचार के जिधर नू मर्जी तुर पाए,
कोई काम कर सतगुरु तो सिखिया लेके जेड़ा काम करेगा धर्म हो जाएगा। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म, जिथे ज्ञान है उथे ही धर्म है, नहीं तो भरम है। ज्ञान लैके काम भी करते हो तो धर्म बन जाता है। खेती करते हो धर्म है, ट्रक चला रहे हो धर्म है, भांडे भी मांजना धर्म है। ज्ञान लैके कर धर्म है, ज्ञान लैके करो हरेक काम धर्म है। इदा का सानू सतगुरु जी ने सिद्धांत दिते है, काम की कोई शर्म नहीं। भावे ग्रंथ पढ़ो, भावे शस्त्र चलाओ, भावे व्यापार करो, भावे खेती करो, ते बच्चों का ढिड भरन वास्ते भावे छोटे तो छोटा काम भी करना पै जाए चा नाल करिया करो, कोई शर्म नहीं। पर इंडिया च आप वेखते हैं शर्म मानते हैं साडे बच्चे साडे भरा। असीं वेखते आप डिग्रियां हत्थां च ने, हुण ते नशे इन्ने आ गए, बुरा हाल है। सरकारां भावे वेखण नूं अपणियां लगदियां ने पर कहण मात्र ने अपने। किते जिहड़े नशे पंजाब दे विच 80% बच्चे नशे वाले पासे तुर पए, जाण बुझ के साजिश अधीन सारा कुछ हो रहा। कुछ बच्चियां नूं छड्ड के जिहड़े जुड़े होए आ, नहीं तो बहुतियां दा हाल इहो ही है। ते सब कुछ साजिश अधीन किया जा रहा, सब रले होए ने, किसी ने घट नहीं की थी। मैं स्टेजा से बहुत कहना हूं, इन्हों दियां पगां ही वखरिया ने, भी नीली पग वाला है, ये चिट्टी पग वाला है, ये टोपी वाला है, इन्हों दियां पगां दा ही फर्क है। अंदरों सब इको जी ने, अंदरों सब खाण वाले है। कोई विरला होएगा जिहड़ा पंजाब दे भले वास्ते सोचता। इन्ने नशे आ रहे हैं, वो साजिशा अधीन बर्बाद किया जा रहा सारा कुछ। नशे वाले पासे भी बोले जे बने रह, जिधर नुकई वोटा पाते रह, जिधर कह के मोर ला दे, बस आ कुछ है। सोच ही ना, दिमाग काम ही ना कर। जो नशे अंदर चले जाते हैं फिर जे आप पढ़ते हैं, मानस भरिया आने मानस भरिया आए, जित पीते मत दूर होए, बरल पवे बिच आए। जो शराब अंदर जाती है मत बाहर चले जाती, नशा अंदर जाएगा मत बाहर जाएगी। नशे तमे है मत मारी रहे जिम्मे मर्जी लुटी जाइए पता ही ना लगे। मत मारने वास्ते नशे प्रमोट किए जाते हैं, सरकार प्रमोट कर दया ने। बड़े बड़े स्टेडियम ने कहदे लई ने, स्टेडियम ने जिथे बच्चे शरीर बनाउणगे। ते अज तुसी इंडिया च देखते हो स्टेडियम दे विच लच्चरवाद चल रहा हुंदा है, शरीर बनेगा कि बिगड़ेगा। कबड्डियां दे नाल गायक भी लगे हुंदे ने, शरीर बन गए। साजिश अधीन जान बुझ के इदा हो रहा है। आप वेखने ते शर्म मनदे ने बच्चे, डिग्रियां लईयां जे किसे नूं कहो भी सिंपल सादा काम कर लै, नहीं शर्म आउंदी। पर साडे गुरु जी ने जदों अमृत की दात सानू दित्ती है, जदों सानू सिंध खालसे बनाया है, ते उदों आख्या है काम की कोई शर्म नहीं करनी, जिदा का मिले करो, कोई शर्म नहीं। ते अज तो बाद शर्मनाश, अज तो बाद वहम भरम भी नाश। ते मैं पहला बेनतियां की ने भी वहम खत्म करो, भरम नाश कर दो। अजकल तो बिल्ली भी लंघ जाए तो फिक्र पै जाता है, बिल्ली लंघ जाती है तो सानू चिंता पै जाती है। तो बिल्ली तो डरन वाला चूहा हो सकता है, सिंह शेर नहीं हो सकता। शेर क्यों बिल्लियां तो डरनगे, भरम बने हुए ने। इन्ने एक साडे अंदर भरम है, घर घर गए है, उन्होंने कढ़न की लोड़ है, उन्होंने समझण की लोड़ है। तो इस करके संगते वहम भरम नाश, खालसे बन गए, अज तो बाद कोई वहम नहीं करना, कोई भरम नहीं करना। सानू कोई भरमा नहीं सकता, सानू कोई लुट नहीं सकता। असी सिंह बन गए, खालसे बन गए। जात वर्ण भी मेरी केड़ी जात है, मैं किस जात में जमया, ये सब कुछ छड़ दईए ता असल आनंद आवे। कबीर साहब कहते ने, कबीर मेरी जात को सब को हसने हार, भले हार इस जात को जह जपियो सिरजन हार। कहते जात मान तो बचिया रहा, यह तो नहीं मान आया मैं वड्डी जात में पैदा हुआ, घट तो घट ये तो बचिया रहा। भले हारी
इस आजाद को बलिहार। इस करके संगत सतगुरु कहते हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी च लियाईए असल में आनंद आना है। कल सुख वसे बाहर सुख अखां बंद करके सारे कृपा करो नाल नाल जपो वाजा ना रवे कोई।
सब छिन्ना कपड़े होन पाटे दुनिया दिया बनाईया जाता ने जात ना पत ना आसरो कुछ भी नहीं उदे आन पर मिन्ना घर भी नहीं जंगला च फिरदा मित्र ना इतन रूपहीन ना कोई मित्र है कुछ भी नहीं बल्ले रूपहीन किस साग ना सिन्ना पर महाराज कहने ने साडिया नजरां विच राजा है क्यों राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना नाम विच मन भिजिया होया वो राजा है पाटे भावे कपड़े होन रंग काला होवे जात पात कुछ भी नहीं सच नाल जुड़िया ते राजा है अंदरों रजिया ते राजा है अंदरों रजिया ते राजा है इस करके अकाल पुरख वाहिगुरु जी नाल ध्यान जोड़ना ज्ञान लेके ज्ञान ध्यान हुंदा है ज्ञान तो बाद ध्यान जुड़ जांदा है गुरबाणी परमात्मा का सिमरन करांदी है महसूस करके जपिए ते स्वाद आउंदा है वाहिगुरु थोड़ा घटा दे आवाज बेस ज्यादा थोड़ा घटा दे वाहिगुरु सारे जपे हो जरा वांझा ना रवे जी कोई सब भैणा नूं भी बेनती है तुहाडी सब दी आवाज आए
मन पींदा सतगुरु की विचार नूं समझ के मिलती वो भाई अमृत नाम निधान है, मिलती वो भाई।
अंदर ही बैठा है तुम ही
इको ते टेक रखिए नानक पुत्रियां पकाइयां पाइया थाले वाहे जिन्हें गुरु मनाया राजराज सही राजराज सही आहे तू दाता दातार तेरा दाता इको ही है बस दाता दाता एक है बार बार एक इको गल दृढ़ करिए कि धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह साढ़े सतगुरु हैं जिन्हों तो सानू सच्चा गुरु मिलना है सच्चा ज्ञान मिलना है इन्हों तो सिख्या लैके एक अकाल पुरख वाहगुरु जी नाल असी सारिया ने जुड़ना है। सो खालसा प्रगट दिवस दियाँ जिथे संगतां नू वधाइयां ने बेनती है इदा नहीं कि आपां नगर कीर्तन कर लिया इत्थे गेड़ा देता आ गया मथा टेकिया हो गया बस जी साहब ये नहीं असल में साडा मन की कुछ कमा रहा है कितना कुछ असी नाल लेके चले हैं कमाई तो ता ही है ना फलाने गुरसिख की बड़ी कमाई है फलाने महापुरुषा की बड़ी कमाई है कमाई का पता किवें लगे भी सतगुर के किन्ने क बचन कमाए ने यह है कमाई गुरु ग्रंथ साहब के किन्ने बचन कमाए ने किन्ने शब्द कमाए ने सतगुर के बचना असी कि कमाया है ये है कमाई तो महाराज मेहर कर सतगुरु के बचन कमाइए सतगुरु जो कहते हैं वह मनीए जो हम आप आम कहने ना शहीदों मनते हैं जी साढ़े आप वेखते हैं इंडिया से जाने जी शहीदों मनते हैं असी शहीदों मनते हैं शहीदों की मनना है जो कह के गए ने मन लो शहीदों मन लिया शहीद की कहते हैं मन लो शहीद मने गए सारी जिंदगी भाई तारू सिंह ने क्यों इस गल की समझ ही नहीं आई तारू सिंह नूं की मनिया शहीद की मनिया बाबा दीप सिंह जूझते रहे क्यों जूझे इस गल नूं ते मन्ने ही नहीं बाबा दीप सिंह नूं की मनिया दसो भाई शबेक सिंह शहबाज सिंह चरखड़ी ते चढ़ गए क्यों चढ़ गए जिस गल करके चढ़ गए वह तो मन्ने हुई नहीं की मनिया शहीदां नूं की मनिया फिर बाबा अजीत सिंह बाबा जुझार सिंह जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह नूं की मन्निया जिस करके वह शहीद हो गए तो मन्नी नहीं आपां असीं मन्ने शहीदां नूं असीं उत्थे जी जोत लाने असीं जी जाने असीं जी साल बाद उत्थे पाठ कराने असीं जी शहीदां नूं मन्नदे आ जो शहीद कहिंदे ने मन लो क्यों कुरबानी कर गए सी वह मन लो शहीद मन्ने गए बस ये मन लईए असी बड़े पुराने महापुरुषों को मानते हैं की सी उन्हां दी जिंदगी विच बस वो मान लो कमाई है जे सतगुरु के बचनां नूं किन्ना कमाया है ये असल वेखना पएगा कमाई गुरसिख की साधना किन्नी है किन्ने बचन उन्हें कमाए ने असल कमाई ये हुई है भाई ते महाराज सच्चे पातशाह मेहर करन खालसा प्रगट दिवस है वधाइयां सारिआं नूं अगे नूं वधीए गतिशील होइए साडी गति हो जाए जिम्मे आप कहने ना आत्मा शांति रात भी अरदास हो रही थी सिख की तो ज्यौदे ज्यौदे की आत्मा शांत हो जाती है ज्यौदा ज्यौदा बंदा अपनी आत्मा शांत कर गया मरण तो बाद जो मर्जी कर लो फिर नहीं होनी ये तो ज्यौद्या ज्यौद्या सिख आत्मा शांत कर लेंदा साड़ी तो यह साडा तो सिद्धांत ही नहीं साडा सिद्धांत है ज्यौद्या ज्यौद्या सतगुर के बचना पढ़ पढ़ के सुन सुन के अपने आप को शांत करना है ज्यौद्या एक विकता होनी है ज्यौद्या समाई होनी है ज
ज्यौदिया जिंदगी सच प्रवेश हो जाए, नाम जिंदगी आ गया, सच आ गया, तो ज्यौदा ज्यौदा जिहड़ा शांत है, बस फिर उही शांत है। असी शांत ज्यौदे ज्यौदे होना है। गतियां करांदी फिरदी दुनिया, मर गया बंदा उहदी गति कराण तुर पैंदे ने कई। गति की हुंदी है? स्पीड। बस अज तो उत्थों उठ के अगे आ जा, पब्बा कलब्बा नूं छड्ड के गुरुद्वारे आ जा, तेरी गति हो गई, अगे वध गया ना जिंदगी, अगे वध गया। पंजाब तो अमरीका आ गए, गति हो गई। 3 लाख का घर सी, हुण 3 करोड़ का, गति हो गई। उत्थे मोटरसाइकिल सी ते 4-4 गड्डियां ने, गति हो गई। गति कर ली ना आपां, बस जिहड़ा बंदा अगे नूं वध गया उहदी गति हो गई। जिन्ने बैठे आ सतगुर की सिक्ख्या नूं मनना शुरू कर दीए, साडी गति हो गई, अगे नूं वध गया ना आपां। हुण बस ऐसी गति फड़ लईए, पढ़ी जाइए, समझी जाइए, मनी जाइए, स्टोर भी करके ना रख लीए, जो समझदे आ उहनूं मन लईए, ना उहदी नाल प्रैक्टिकली सुनिया मन लिया, सुनिया मन लिया, बस जिवें जिवें मनी गए गति हो गई। बस ये साडी गति है, ज्यौंदे ज्यौंदे गति कर लईए, आप ही करिए गति, सारे ये गति है साडी असल विच। जिहड़ा ज्यौंदा नहीं करना नाल जुड़िया उहनूं पुछते लो, जिहड़ा मरिया है वी जुड़ना चाहुंदा वी है कि उह ते कहिंदा मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे पोतरे, मैं ते जे विआह वेखणे सी, उहनूं वी पुछ लो गति कराणी वी चाहुंदा कि नहीं अपनी, उहदे पिछे नूं आउण नूं तिआर। अगला मतलब उहदा फसिया पिआ सी, आपां धक्के नाल उहनूं धक्का ला के सचखंड पहुंचा रहे वी चल तैनूं छड्ड के आउणा है, और उहदे जाणा ही नहीं चाहुंदा। इत्थे आपां किन्ने का जाण वाले, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਓ, ਬਸ ਗਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਤਾਨਤਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦਾ 2 ਦੀਵਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਐਲ ਸਪਰਾਂਟੇ ਨੇੜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, 6 ਤੋਂ 7:30 ਤੱਕ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਟਾਕਟਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਲਾ ਪਾਇਓ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਤੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ, 2 ਵੀਕਡੇ ਹੈ, 5 ਅਤੇ 6 ਮਈ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਣਗੇ 2 ਦੀਵਾਨ ਰਾਤ ਦੇ। ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ 7:30 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, 6 ਅਤੇ 7 ਮਈ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਲਾਈਟ ਫੜੀਏ ਅਤੇ ਭੱਜ ਜਾਈਏ ਇੱਥੋਂ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਮਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀਏ ਫਿਰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਣੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 2-3 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋੜੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਏਡੀ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਕਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੋਹਣਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। 2 ਦੀਵਾਨ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਏ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰ ਸਨ 3 ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ 20 ਦਿਨ 21 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਨੇ,
एक ओंकार चैनल चलता है, कई घर चलता जिन्होंने डब्बे जो खरीदे हुए की ओनू कहते हैं वह दस देंगे बाद घर चलते हैं। तो जिन्हें इंटरनेट से अजकल तो सौख है, तो बड़ी मौज है, तो जिन्हें भी नौजवान ने एक ओंकार के उ वैबसाइट पर जाके एप्लीकेशन लोड कर लो, वेख सकते सारे पता लगता रहेगा। ये जरा पूरे प्रोग्राम ने इतों के चलते रहेंगे, एक ओंकार चैनल से कल तो होने गैट पंजाबी भी चलते रहेंगे। सो सारिया संगत ने पूरे समागम हाजिरी भरनी है, तो पांच से छे जे इतने दवार ने छे अमृत संचार होना है। जेडे वीर भरा गुरु वाले नहीं बने जरूर मन बनाओ, अमृत की दात प्राप्त करके खंडे की पौल प्राप्त करके असी गुरु वाले बन के अपना जीवन सफल करिए। सतगुर के जन्मे कवन मटाया सो जीव्या, जिन मन वसया सोए नानक अवर न जीव। ज्यौदा ही असल में जो है जिदे जो सच न जुड़िया होया। सो आओ सारिया संगत का धन्यवाद। मैनू प्रबंधक ने दसिया है कि प्रोग्राम इस तरह चलता रहना है, तो मैं बेनती करांगा संगत जिन्हों को समय वो इस तरह सजे रहन। आनंद साहब कहते नहीं अजे पढ़ना, अजे प्रोग्राम चलना है लंबा। पूरी मैनेजमेंट कमेटी का सब का धन्यवाद। आ जो थोड़ी तो सेवा है ये इतनी सेवा में लग जानी है। सो जो मैं बेनती पहला भी की एक सुनियो गल ध्यान न, भाई साहब जी जिदा उन्होंने प्रीतम सिंह होना ने दसिया है ना कि गुरद्वारा परमेश्वर द्वार साहब गए ने, इन्होंने उत्थे वेख्या। हुण बड़े लोग ये गल कहिंदे आ जी बाबिआं दे डेरे, एक इन्होंने शब्द वरत्या भी 32-33 किलियां च बनिया है अस्थान। हुण कई बंदे इत्थे फिर एकदम सोचण लग जांदे ने बंदे बुल्ले एड्डी पता नहीं उत्थे की बनाया है। ਉਹ ਸਚਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਦੂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, बहुत गल्लां स्टेजां ते कहीदियां ने, पर उहदा कारण यह है कि जे अस्थान है तो उत्थे वापस आ जाने हैं। पर जे हुण तुहानूं पता है कई विचारे साडे वीर प्रचारक कई ग्रंथी सिंह कोशिश करते ने जदों सच बोलते ने, एक बारी कहिंदे भाई इदां कर लो, उसे वेले कहणगे बाबा तू कौन हुंदा सानू कहण वाला, चक अपना कछहरा तौली आ ते तुर पै इत्थों। उह विचारे चुप ही कीते रहिंदे, दिल करदा सच बोलीए, दिल करदा सच दसीए, पर जरूरत क्यों नहीं पैंदी। उदो उस वेले फिर यह हो जाता यार बच्चे या फिकर लग जाता इन्हों का। वैसे तो मालिक का भरोसा रखना चाहिए, सच से पहरा देना चाहिए, भावें बंदा जिस भी कंडीशन च हो जिथे कि खड़ा है। पर अस्थान है जेड़ा वो मैं पहला भी इतने बेनती की है भी उत्थी जो कुछ भी है गुरु ग्रंथ साहब के नाम, मैं ये बेनती बहुत बार किया है, एक खुद जमीन की मेरे नाम बोल की विखा दो स्टेज तो थले ला दौ, जो कुछ है वह गुरु ग्रंथ साहब के नाम कराया। किसी स्टेज से असी कुछ नहीं मंगिया, अमेरिका कितनी बारी आया कदे थे दा अनाउंसमेंट नहीं की, स्थान है लंगर चलता है हिस्सा पा दो आ तिल फुल तुसी देंदे हो ये सारा उत्थे जाके लाईदा। तो जे कही है ना भी उत्थे मैनूं कई कहणगे तुहाडे नेड़े गुरद्वारे है ने श्रोमणी कमेटी तो उत्थे रह के भी प्रचार हो सकता, मैं कहा सानूं तो उत्थे कमरा नहीं देंदे ना, सानूं उत्थे कित्थे रहण देणगे, श्रोमणी कमेटी वाले सानूं कहड़ा कमरे दे देणगे, उत्थे दो दिन कहणगे चलो इत्थों। पर एक प्रबंध जेड़ा है एक संस्था है गुरमत का प्रचार जिथों होना चाहिए है, सानू एक संस्था की एक सानू धुरा कोई ना कोई चाहिए है जिथों एक संगठन चलते ने, एक कुदरती सानू लोड़ा इन चीज़ों दियां ने। अस्थान वधदे किवें ने हुण आ हॉल जेड़ा है अज भरिया होया है, जे एदू संगत वध जाए तो फिकर पै जाएगा भी एदू भी वड्डा बनाईए, फिर जिवें परिवार वध जांदा किचन वड्डी चाहिए है, बैडरूम ज़्यादा चाहिए ने, संगत का जो इकट्ठ ज्यादा होंगे उस हिसाब न लंगर का होस्पिटल तक के प्रबंध भी करने पैने। होस्पिटल एक बना रहे उत्थे टोटली फ्री, मैं वेखिया ब्यास आलिया ने बनाया कहते जी 50% फ्री इलाज होंगे, 50% फ्री इलाज होंगे ब्यास आलिया के उन्होंने प्रेमिया का। मैं क्या सिखा जी असी भी इदा का माड़ा मोटा बना सकते हैं, भी असं भी कही 50% नहीं उत्थे सारा ही इलाज फ्री होंगे। सो इस करके जो स्थान है उत्थे जाके मैं ये बहुत बार किया है भी आके एक करी वेखो पूरा रहत मर्यादा जो है साड़ी मर्यादा में सारा कुछ उत्थे चलता है, कुछ भी
एक हुंदा है बाबा, एक हुंदा है बाबा बाद, एक बाबा पुना कर देने कई, एक ते पुजा, एक ते ब्रह्मण है, एक ब्राह्मण पुना करता है, ब्राह्मण दे किथे विरोध, विरोध विच आपा, आपा उहदे विरोध च जिहड़ा ब्राह्मण पुना करता है। बाबे नहीं माड़े, बाबा ते बाबा जरनैल सिंह नूं वी कहिंदे आपा, बाबा दीप सिंह नूं वी कहिंदे आ, बाबा बुढ़ा जी नूं वी कहिंदे आ, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह नूं वी कहिंदे आ, पर जिहड़ा बाबा पुना करे उह माड़ा हुंदा है। असी आके तुहानू वहमां विच पाईए, एवें भरमां विच पांदे फिरीए, तत गुरमत नूं छड के होर ही गल्लां करदे रहीए, फिर माड़ी गल है। मैनूं परसों दो तीन सिंघ मिले सी, मैं कहा पूरा टूर लाना है, लगातार नोट करदे रहो, गुरमत दे सिधांत तों जे कोई गल मैं बारी कह गया ते उहदे बारे जरूर मैनूं जानकारी दे दिओ, वी मेरे समझ विच नहीं सी। ते इस करके बेनती है कि तत गुरमत नूं असी समझण दी कोशिश करिए, इह साडा फर्ज बणदा है। सो इस करके भावें कोई ठीक है बाबा कह दिंदा है, पर मैं बेनती करांगा गुरु दे सिख बने रहिए मड़ी तक, ये सब तो जरूरी है। सो बोलदे आ, कोई भी भुल गलती हो गई होवे मैं माफ़ी चाहुंदा। बड़े प्यार नाल आप जी ने एकाग्रता बना के सुनिया, बहुत बहुत सारी संगत का, प्रबंधक वीरां का बहुत धन्यवाद जिन्होंने पूरा उदम किया है। सारी संगत नूं बेनती है कल ते परसों दोवें दिन स्टार्टन जिन्हां कोल टाइम होवे उह जरूर दर्शन बख्शन। इसे तरह दवान चलता रहना है, संगतां ने सजे रहना है, सतगुरु जी का प्रकाश इसे तरह ही है, सारी सेवा में संगतां ने हाजिर होना है, होइयां भुल्लां की खिमा करनी। सारी संगत एक बारी गज के आखो जी वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी।